ये जो पॉइंट है जहाँ पे सारी की सारी ब्रांचेज आपस में कनेक्ट हो रही हैं, इसको हम बोलते हैं नोड या जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? नोड या जंक्शन इसका नाम है। तो किरचॉफ करंट लॉ ये बोलता है कि किसी भी नोड या जंक्शन के ऊपर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट हमेशा बराबर होते हैं। इस नोड के ऊपर आने वाला करंट कौन सा है? I1। और इस नोड से जाने वाला करंट कौन सा है? I2 और I3। तो आने वाले करंट को हम बाहर जाने वाले करंट के इक्वल पुट कर देंगे। यही है किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट यहाँ पे बराबर होंगे। अब किरचॉफ ने क्या ध्यान में रखते हुए ये लॉ बनाया? तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो किरचॉफ करंट लॉ है वो कौन से बेसिक लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो कौन से लॉ को ध्यान में रखते हुए किरचॉफ ने ये लॉ बनाया? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।